हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी होली स्पेशल खस्ता कचौड़ी, जिसको मैंने ज्वार के आटे से और बिना फ्राई किए हुए बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने के लिए एक कप मैंने ज्वार का आटा लिया है और आधा कप इसमें मैं गेहूं का आटा ऐड करूँगी। एक छोटी चम्मच इसमें नमक डालेंगे और दो चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए टेक्सचर हमारा इस तरह होना चाहिए कि ये बिल्कुल शेप होल्ड कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के और एक नॉर्मल सा डो लगा लेंगे। डो हमारा बहुत टाइट या फिर बहुत सॉफ्ट नहीं हो। तो ये देखिए डो मैंने लगा लिया। अब इसको कवर करके हम रख देते हैं और तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने ये मूंग दाल की नमकीन ली है, ये आपको मार्केट में कहीं भी अच्छे मिल जाएगी। और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में हमें ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा इसको पीसना है। अब एक बोल में इसे निकाल लेंगे और इसमें थोड़े से कटे हुए काजू और एक चम्मच इसमें हम किशमिश डालेंगे। एक छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक पिंच हींग, एक चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी है और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो इसको हम एक बार इस तरह और नीट कर लेंगे और अब इसकी छोटी छोटी हम लोई बना लेंगे। और अब इस तरह एक लोई को हाथ में लेंगे और इसको फ्लैट करके हम हाथ से इस तरह बड़ा कर लेंगे, जिससे कि बीच में अच्छे से स्पेस हो जाए। और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो एक से दो छोटी चम्मच स्टफिंग हम इसमें रखेंगे और इसको चारों तरफ से हम अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे कि स्टफिंग जो है बाहर नहीं निकले। और ये देखिए इसी तरह सारी कचौड़ी को बना लीजिए। और अब मैं इसको अप्पे पैन में कुक करूँगी। तो अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा इस तरह घी लगा लेंगे, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब सारी खस्ता कचौड़ी को हम इसमें रख देंगे और इसको कवर करके पहले हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी और अप्लाई करेंगे और इसको हम पलट देंगे। तो सारी खस्ता कचौड़ी को मैंने पलट दिया है, इसको हम फिर से कवर कर देंगे। और इसी तरह इसको पलटते हुए हम चारों तरफ से इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुकी है और इसको कुक करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुक हो गई है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी होली स्पेशल ज्वार की खस्ता कचौड़ी, जिसको बिना फ्राई किए हुए बनाया है। तो आप भी इस हेल्दी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी होली।